कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश काली हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। आज चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। हमने पीछे पिछले सेक्शन में पढ़ा किस तरह ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पर्सनली हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। हमने काफी डिस्कस किया, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो पूरा सेक्शन हमने पढ़ा पिछली बारी, काफी सारे वर्सेस थे उसमें। 25th ऑनवर्ड्स वहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। हम और आगे आएगा लास्ट श्लोक का जो इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर की समरी है, तो मैं समरी में अभी नहीं जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली समराइज हो जाएगा कि किस तरह डिफरेंट अलग अलग प्रकार की आहुतियां, अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइस किस तरह ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमने 25th वर्स से 33 नंबर श्लोक तक पढ़ा था कि किस तरह अलग अलग सैक्रिफाइस दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। अभी ये जो हम आज जो हम वर्स पढ़ने वाले हैं, वर्सेस पढ़ने वाले हैं, ये है कि जो ड्यूटीज और सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं वो हम नॉलेज में करते हैं। अब ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसको एक्वायर कैसे करना है, तो इसका जो आंसर है वो है पहले ही श्लोक में इस सेक्शन के। ये सेक्शन बेसिकली कंक्लूजन है इस चैप्टर का। और ये जो श्लोक है 4.34, ये नंबर ही याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 4.34। ये भगवद गीता के अगर हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट श्लोकों में देखेंगे तो ये 100% उसमें आ जा सकता है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये बेसिस बनेगा हमारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का प्रैक्टिकली। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको श्रील प्रभुपाद ने, बहुत बाकी आचार्यों ने भी दी है, और भक्त लोग बहुत ही केयरफुली इस श्लोक के जो मीनिंग को स्टडी करते हैं और अप्लाई करते हैं लाइफ में, क्योंकि ये ऑनेस्टली ये जो श्लोक है ये बहुत सारे दरवाजे खोलेगा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और जैसे ही हम श्लोक पढ़ेंगे आपको ऑलमोस्ट समझ जाएगा, फिर हम डिस्कस भी करेंगे इस पे। हम श्लोक पढ़ते हैं 4.34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब ये जो श्लोक है ये ओ माय गॉड और पीके जैसी मूवीज जो आई हैं उनमें जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल या रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है उसको बहुत बुरी तरह स्मैश करता है। कैसे स्मैश करता है? क्योंकि उसके अंदर में जो अंडरस्टैंडिंग दे रखी है इन मूवीज में स्पेशली, वो मूवी वो दे रखी है कि क्योंकि तुम्हारे को धर्म के नाम पे किसी ना किसी गुरु ने या साधु ने चीटिंग की होगी, गलत स्टैंडर्ड दिखाया होगा, धोखा दिया होगा, लूटा होगा, इसलिए तुम अपना भगवान से डायरेक्टली कनेक्शन बनाओ। तुम्हारे को किसी साधु गुरु मौलवी किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा वो
मूवी में बेसिकली बताया कि तुम डायरेक्टली भगवान से अपना कनेक्शन बनाओ। अब ये जो श्लोक है ये कंप्लीटली उस अंडरस्टैंडिंग को स्मैश करता है। क्यों? पहली लाइन ही क्या है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवे। विधि क्या है? हाँ, तद विधि। अब पीछे में हमने देखा बहुत सारे यज्ञ सैक्रिफाइस की लिस्ट थी, तो इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है? तत् विधि। तत् विधि जो अलग अलग प्रकार की सैक्रिफाइसेस पीछे थे, यज्ञ पीछे बताए गए हैं, उस ज्ञान उस उन उन आहुति उन सैक्रिफाइसेस से जानने का प्रयास करो किसे, गुरु की शरण में आके। अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में देखोगे तो तत् का मतलब है विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को, विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। विधि क्या है? उस जानने का प्रयास करो। पर ट्रांसलेशन में हमारे को और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो। कैसे करना है? प्रणिपात देना, गुरु के पास जाके परिप्रश्न लेना, उस उनसे विनीत होकर, विनीत मीन्स हम्बल, हाँ, विनम्रता से गुरु के पास जाके परिप्रश्न लेना, प्रश्न पूछो, हाँ, अपनी जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो विधि क्या है, प्रोसेस किस तरह फॉलो करना है कि हम एक प्रमाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएं, उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछें और वो प्रश्न जब पूछेंगे तो उसका उत्तर अपने जीवन में अप्लाई भी करें। ऑफ कोर्स तभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं तो टाइम पास अपना और उनका करने के लिए कोई क्वेश्चन क्यों पूछेगा। उनसे प्रश्न पूछें, उसके प्रश्न को अप्लाई करके नेचुरली, और सेवा भाव रखें और सेवा करें। फिर क्या होगा, ये तीन चीजें करने के बाद, विनम्रता, विनम्रता से प्रश्न और सेवा, ये तीन चीजें करने से क्या होगा, वो व्यक्ति जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने उस सत्य का, परम सत्य का, भगवान से साथ जिसका संबंध स्थापित है, उस परम सत्य का जिसने दर्शन किया है, वो उपदेशंती, वो हमारे को सिखाएगा, ज्ञान प्रदान करेगा कि हम भी परफेक्ट कैसे हों। तो ये जो बोला जाता है कि अरे धर्म के नाम पे बहुत धोखा चल रहा है, बहुत धोखा चल रहा है, तो तुम भगवद गीता खुद ही पढ़ लो। तो जब व्यक्ति भगवद गीता खुद पढ़ के सोचता है, अभी जैसे ओमा गॉड में आया, 100% उस डायरेक्टर ने पिक्चर तो बना दी और उस पिक्चर के माध्यम से उसने लोगों को यह तो बोल दिया कि भगवद गीता पढ़ो। तो हाँ, अगर किसी ने ओमा गॉड देखे तो उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तुम भगवद गीता पढ़ो सिर्फ, तुम्हारे को किसी संत गुरु की जरूरत नहीं है। अब भगवद गीता खोल के जब पढ़ता है तो भगवद गीता बोल रही है कि विधि यही है कि तुम एक तत्वदर्शी के पास जाओ और विनीत भाव से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो, और वो व्यक्ति जिसने ज्ञान जो तत्व का दर्शन किया हुआ है वो तुम्हें उपदेश देगा, वो तुम्हें ज्ञान बताएगा कि कैसे तुम भी तत्व के दर्शी बन सकते हो, तुम भी कैसे तत्व के दर्शी बन सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मूवीज वगैरह जैसे सोर्सेस से लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट लेसन को ना सीरियस ले लें। जैसे पहले भी एक बार मैं बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति का हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस खराब रहता है, कोई अपने रिलेटिव को हॉस्पिटल में ले गया और वहां पे वो बहुत चोरी चकारी हुई, उनके साथ चीटिंग करी गई, गलत सर्जरी कर दिया या गलत ट्रीटमेंट हुआ और काफी नुकसान हो गया पेशेंट का, कई केसेस में पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ऐसे अब अगली बारी जब कोई घर में बीमार पड़ेगा तो व्यक्ति ऑनलाइन गूगल से यूट्यूब से खुद थोड़ी ना इलाज करने लग जाएगा उसका, कोई बीमार पड़े तो।
व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या करेगा, ओ नहीं इसने मुझे चीट किया है, बट मैं एक प्रॉपर हॉस्पिटल और एक अच्छे डॉक्टर को सर्च करके उनको कंसल्ट करूंगा, उनको दिखाऊंगा, क्योंकि बेस्ट प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट है ही यही कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढूं और उनसे इलाज करूं। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि अब मैं YouTube गूगल खोल के खुद ही इलाज करूं, जी ये हॉस्पिटल में तो चीटिंग होता, क्योंकि सब में नहीं होता, भले ही कई सारे हॉस्पिटल चीटिंग करते हो बट सब में नहीं होता। तो सिमिलरली ये स्पिरिचुअल प्रोसेस में, स्पिरिचुअल पाथ पाथ पे भी कई लोगों ने मिसयूज किया है लोगों का, सो कॉल्ड गुरुओं ने, भगवान अपने आप को घोषित करके, उनके रिसोर्सेज, उनके प्रॉपर्टी, इवन दो उनकी उनके मानसिक और शारीरिक रूप से भी उनका शोषण किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम विधि बदल दें और हम खुद से भगवान को खोजने पाने चले जाएं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वही व्यक्ति हमारे को भगवान दे सकता है जिसने भगवान का स्वयं सानिध्य प्राप्त किया, जिसने भगवान का शेल्टर खुद पहले प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तात्पर्य कि हम पहले दूसरी लाइन पढ़ते हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। जो भगवान से परंपरा चली आ रही है गुरु और शिष्य की, उन्हीं से भगवान को प्राप्त करने की ज्ञान का ज्ञान लिया जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो भी अपने आप को सो कॉल्ड गुरु बोलते हैं, और हम किसी के कांटेक्ट में भी हों, कई बार हमारे परिवारों में कुछ गुरु चल रहे होते हैं, कोई गद्दी वगैरह होती है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, या कोई हमारे मोहल्ले में कोई पॉपुलर होता है, हम उनको गुरुजी गुरुजी मान लेते हैं, हमेशा ये प्रश्न पूछना चाहिए उनसे कि तुम्हारी जो परंपरा है वो प्रामाणिक है कि नहीं है। पहली बात तो देखना चाहिए कि वो परंपरा है भी कि नहीं। गुरु परंपरा का मतलब है कि वो व्यक्ति जो खुद को गुरु घोषित किया हुआ है उसका भी आगे गुरु होना चाहिए, उसका भी आगे गुरु होना चाहिए, उसका भी आगे गुरु होना चाहिए, और ये भगवान तक जाना चाहिए बिना रुके। ऐसे नहीं किसी दिन एक ने सोचा मैं खड़ा होता हूँ, आज से मुझे आत्मज्ञान मिल गया। हाँ, हर कोई बुद्धा नहीं होता जिसको पेड़ के नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा बन जाओ भगवान के अवतार से। उन्होंने भी बहुत गुरुओं से शिक्षाएं ली हैं। तो हर तो बहुत सारे लोग YouTube वगैरह में भी बड़े फेमस हैं, और खुद को ऐसे ही दिखाते हैं कि अभी हम सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, हमारे को कुछ नॉलेज आ गया और हम अभी बहुत बड़े गुरु बन गए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम इस सिद्धांत को ढंग से समझें, एटलीस्ट जो भागवत मार्ग पे है, जो भगवद्गीता के सिद्धांतों में चलने का प्रयास कर। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि सीक्रेट क्या है प्रोग्रेस का, वो इस श्लोक में हिंट किया हुआ है। स्पिरिचुअल रास्ते में, आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करने का जो सीक्रेट है वो ये है कि एक प्रमाणिक गुरु की सेटिस्फेक्शन होना। एक प्रमाणिक गुरु हमारे से सेटिस्फाइड जब होता है, हमारी सेवा से, हमारी विनम्रता से, हमारे प्रश्नों से, तब वो जाके हमारे को दिव्य ज्ञान प्रकाशित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम देखेंगे प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में जब अमेरिका में जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करी, उनको नहीं पता था वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। उन्होंने कोशिश करी क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके करना चाहते थे ताकि गुरु सेटिस्फाइड हो जाए। इसलिए हम देखते हैं जितने भी एडवांस डिवोटीज हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, अगर वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड हैं, तो उनकी एडवांसमेंट का पहला नंबर, पहला कारण जो है वो होगा उन्होंने अपने गुरु को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत प्रयास किया। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ये प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया कि इतने सारे वेस्टर्न लोग
रशियन अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन यूरोपियंस इतने सारे पाश्चात्य देशों के लोग, रशिया वगैरह के कंट्री से आए हुए, चाइना वगैरह के लोग, इनको तो कृष्णा शब्द भी नहीं पता था। ये तो वेजिटेरियन भी नहीं थे, ये इतना भक्ति में आगे कैसे बढ़ गए, ये इतना भक्ति कैसे अच्छे से कर रहे हैं। एक ही आंसर सिर्फ आता है कि उन्होंने प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ कोशिश करी थी। उनकी परफेक्शन का कारण ये था कि उन्होंने मेहनत करी कि किस तरह प्रभुपाद को प्रसन्न किया जा सके, और उनका रिजल्ट ये है कि बड़े बड़े वैष्णव हैं, सन्यासी हैं और स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो चुके हैं सिर्फ एक प्रयास से। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु को प्रसन्न करने की सिर्फ कोशिश करी। तो दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। क्या है? पहला विनम्र भाव और दूसरा प्रश्न पूछना। बहुत बार लोग अंधविश्वास में सेंटिमेंट्स के कारण भावुक हो गए, सिर्फ विनम्र भाव से सबमिट कर देते हैं, अपने आप को शरण ले लेते हैं और कोई उनके प्रश्न नहीं होते। इसका मतलब है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, और बुद्धि को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली प्रश्न निकलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में प्रश्न आते हैं अगर वो जागरूक अवस्था में अध्यात्म को फॉलो कर रहा है। अगर वो सो नहीं रहा स्पिरिचुअली तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछता है, बट वो जब सबमिसिवली क्वेश्चन पूछता है, और ये जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इसको क्लास में क्वेश्चन पूछने तक लिमिट नहीं कर रहा, मैं और भी क्वेश्चन, डीपर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमारी लाइफ में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हम हर व्यक्ति पूछते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछते कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया तो मुझे दुख क्यों मिल रहा है, ये सृष्टि ऐसी क्यों है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और ये प्रश्नों को एक विनम्र भाव से व्यक्ति एक सेल्फ रियलाइज सोल के माध्यम से समझता है। हमारे लिए सेल्फ रियलाइज सोल कौन है? शिल प्रभुपाद, उनके शिष्य, शिल प्रभुपाद की किताबें। तो ये हमारे लिए एक सेल्फ रियलाइज परफेक्टेड सोर्स है जिससे हम अपने प्रश्न के उत्तर ले रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक शिष्य जो है वो जो एग्जाम, जो टेस्ट है वो पास करना चाहिए गुरु जो टेस्ट देता है उसको, और जब गुरु देखता है कि ये मेरा जो शिष्य है जेन्युइन है और इसकी जो इच्छा है आध्यात्मिक प्रगति की वो भी जेन्युइन है, वो ऑटोमेटिकली अपने शिष्य को ब्लेस करता है। किससे? जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग से। जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर की हर भक्त को नहीं होती, गुरु की कृपा से उसको परमात्मा के हृदय में, परमात्मा के थ्रू उसको वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक हमें ये तो बता रहा है कि क्या करना है, विनम्र भाव से प्रश्न पूछना और सेवा करना, बट ये पर ये श्लोक हमें ये भी बता रहे कि क्या नहीं करना। क्या नहीं करना? ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमारे को अंधविश्वास नहीं करना, ये तो मेरे गुरु हैं, हम बस यही सब कुछ है। और पहला ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, और दूसरा फालतू के प्रश्न नहीं पूछने, फालतू की इंक्वायरी नहीं करनी। कई लोग अपने गुरु को आगे क्या प्रश्न पूछते हैं पता है? एक बार ये बहुत सीनियर डिसाइपल प्रभुपाद के बता रहे थे, मेरे सामने की बात है, तो वो बताते थे कि मैं, वो अपनी वाइफ के साथ थे और उनके शिष्य उनसे मिलने आए, और एक साल बाद अपने गुरु को मिल रहे थे। एक साल बाद तो अपने गुरु को आके बोलते, मेलबर्न की बात है, वो भी परेशान हो रहे थे कि मैं क्या करूं ऐसे शिष्यों का। तो वो आके गुरु से पूछते हैं, गुरु महाराज आप प्लीज हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हमारा बच्चा शरारती कम हो, बड़ी शरारत करता है और इससे घर का काम भी नहीं हो पाता, तो मैं बहुत थक जाती हूँ जितना ये शरारत करता है बच्चा। और स्पिरिचुअल मास्टर गुरु उनको बोलते कि हम ये इंक्वायरी हमसे कर रहे हैं,
उनको समझ ही नहीं आया कि गुरु से इंक्वायरी करनी क्या है। कई शिष्य उम्मीद करते हैं, ओ गुरु महाराज मेरी शादी करा दो। ओ वो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो मैट्रिमोनियल मास्टर नहीं है। शरीर के इलाज कराना, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनका समय इन चीजों में व्यर्थ ना करें और उनसे ज्यादा अपना समय में इन चीजों में ऐसे प्रश्न पूछ के ना व्यर्थ करें। हम जितने भी लोग, अगर ये नॉलेज किसी को नहीं है और हम एक साधु संत के पास जाते हैं, कहीं भी, कोई हरिद्वार गया, कोई वृंदावन गया, या अपने आसपास मंदिर में कोई साधु संत मिले आपको, हम उनसे, अगर ये हमारे को नहीं समझता है तो हम उनसे क्या प्रश्न पूछते हैं? हम उनसे क्या, उनका टाइम किसमें वेस्ट करते हैं, अपना टाइम किसमें वेस्ट करते हैं? प्लीज ब्लेसिंग दे देना हमारे को, सब अच्छा रहे घर में, बच्चे नंबर अच्छे ले हैं, यही हमारे माँ बाप, मेरे को बचपन में याद है, यही मानते थे जो उनके गुरु थे, आप प्लीज बच्चे को ब्लेसिंग दे दो कि ये नंबर इस साल अच्छे लें। वो भी बोलते थे हाँ हाँ अच्छे नंबर लाएगा, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, अच्छे से पढ़ना, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने, मेरे को बहुत क्लियरली याद है, हमारे माँ बाप ने जो उनके भी पारिवारिक जो भी कुल गुरु जो भी थे उनसे यही मांगते थे, काम नहीं अच्छे से चल रहा, प्लीज ब्लेसिंग करे, काम अच्छे से चले हमारा गुरु जी, और वो भी हाँ अच्छे से चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो ये एब्सर्ड इंक्वायरी, ये यूजलेस इंक्वायरी गुरु से ना करें, इसके लिए नहीं है उनका पोजिशन। उनसे आत्म साक्षात्कार के लिए मेजर इंक्वायरी करें, जब गुरु को समझ जाएगा कि ये जेन्युइन डिजायर रखता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का ये व्यक्ति, तब हमारे को ऑटोमेटिकली हृदय से ही हमारे को अंडरस्टैंडिंग हमारा स्पिरिचुअली बढ़ना लगेगा, और सामने से ऑटोमेटिकली ऑफकोर्स मैसेज भी आ जाएगा। प्रभुपाद के कितने सारे ऐसे शिष्य हैं, कितने सारे जिनका एक्सपीरियंस है कि उनके मन में बहुत डाउट्स चल रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, जेन्युइन डाउट्स, और वो प्रभुपाद के जिस लेक्चर में बैठे उसी लेक्चर में प्रभुपाद ने उसका आंसर दे दिया, या प्रभुपाद के सामने गए और प्रभुपाद ने एक वर्ड ऐसा बोल दिया। कितने सारे डिवोटीज, कितने सारे गौर गोविंद महाराज हैं, अभी तो वो नहीं रहे, छोड़ दिया उन्होंने, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा ट्रैवल किया इंडिया एक गुरु की खोज में, मुझे संन्यास लेना था, वो शादीशुदा थे, घर छोड़ा उन्होंने संन्यास लेने के लिए, घर से निकले, कह रहे मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया एक सच्चे प्रमाणिक गुरु की खोज में संन्यास लेने के लिए, फिर घूमते घूमते वो वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन आए तो प्रभुपाद जी से पहली बार ही सिर्फ प्रणाम करके मिले, और प्रभुपाद ने उनको बोला अरे तुम संन्यास क्यों नहीं लेते, अपना जीवन का समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? और महाराज जी बता रहे थे कि मैं यही सिर्फ डिजायर लेके चल रहा था अपने जीवन में, और वो प्रमाणिक गुरु ने मेरी वही जेन्युइन डिजायर को सीधे सामने से आके मुझे बोल दिया, और उसी समय उन्होंने प्रभुपाद को गुरु एक्सेप्ट किया, और फिर कितनी बड़ी सेवा करी बाद में उन्होंने, प्रभुपाद की इंग्लिश में की बुक्स को उड़िया में ट्रांसलेट किया, भुवनेश्वर में इतना बड़ा मंदिर खोला बाद में। तो प्रमाणिक गुरु भी एक माध्यम है हमारी परफेक्शन के लिए। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज अपना क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला श्लोक, यद् ज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यत् यस्यासि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप स्थित व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अगर किसी को प्रमाणिक गुरु से ये स्पिरिचुअल नॉलेज, दिव्य ज्ञान मिल जाए तो पहली बात तो उसका मोह खत्म हो जाएगा, और मोह खत्म होने के बाद क्या होगा, उसको क्या समझेगा कि सारे के सारे जीव जो है परमात्मा के अंश है। भगवान बोले अर्थात मई, वो सब मेरे हैं। यहाँ पे अपनी पोजीशन को
अभी भगवद गीता में शुरू के चैप्टर्स हैं, कृष्ण ने बहुत डायरेक्टली अपने बारे में बोलना शुरू नहीं किया अभी, बट ये कुछ श्लोक है जहाँ पे भगवान हिंट दे रहे हैं अपने बारे में, क्योंकि 7 चैप्टर से भगवान अपने बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं, और वह अर्थात वे सब मेरे हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट मिलियन डॉलर स्टेटमेंट है, एक गुरु की पहचान क्या होती है। सिद्ध स्वरूप व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। अगर तो वो गुरु बोनाफाइड है, प्रमाणिक है, तो उसके शिष्य को ये बात जरूर समझ आ जाएगी कि वो भगवान का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है। नहीं तो आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लो, आपके मन में जो नाम आते हैं पॉपुलर वाले, आपको वो इंस्टीट्यूशन का नाम लेते ही कभी भी भगवान सामने नहीं आएंगे, आपको हमेशा वो गुरु ही सामने आता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही इस तरह करते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी उठा के देख लो, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं डाल रहा कि सारे ही फ्रॉड है, बट मैं मेजर मेजर बोल रहा हूँ, कोई भी बड़ा बड़ा उठा के देख लो, कोई भी नाम, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सिद्धांत पे बात कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप अपने नाम से कोई भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन उठाओ जो पॉपुलर है इंडिया में, और आप देखो अगर आपको भगवान की छवि भी सामने आती है या वो गुरु सामने आता है। जब मैं पर्सनली एक बार खुद ही बैठ के सोच रहा था, मैंने बहुत सारे नाम मन में सोचे, और जैसे मैं इस्कॉन पे आया तो मेरे को डिवोटी होने के बाद भी प्रभुपाद सामने नहीं आए, डिवोटी होने के बाद भी राधा कृष्ण ही सामने आए। ये एक प्रमाणिक गुरु का बहुत बड़ा लक्षण है कि वो अपने आप को फ्रंट पे कभी प्रोजेक्ट करता ही नहीं। प्रभुपाद को तो कोई जानता भी नहीं था, ये तो प्रभुपाद के शरीर छोड़ने के बाद उनके शिष्यों ने प्रभुपाद को पॉपुलर किया। सबको ये पता था कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन का मतलब है कृष्ण की भक्ति वाली मूवमेंट। किसी को नहीं पता था प्रभुपाद कौन है, वो जिन्होंने पर्सनली मिले होंगे बात अलग है, बट इस्कॉन का कृष्ण भक्ति से जो कनेक्शन है वो बहुत क्लियरली सबके माइंड में है। इस्कॉन मतलब कृष्ण का मंदिर। अब ये कोई बोल सकता है अंग्रेजों वाला मंदिर या कुछ भी, बट वहां पे होता क्या, कृष्ण की भक्ति, वहां पे प्रभुपाद या कोई गुरु प्रोमिनेंट फेस सामने नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक प्रमाणिक गुरु जो है उसका 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 जीवन का लक्ष्य ही ये होना चाहिए कि उसके सारे शिष्य इस बात से कन्विंस हो जाएं कि वो भगवान का अंश है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। मा मीन्स नहीं, या मीन्स ये है, माया का मतलब है जो नहीं है, दैट विच इज नॉट, इल्यूजन। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वह तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है, कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर है और एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, वो तो फॉर्मलेस है, कोई एनर्जी लाइट वगैरह है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार नहीं है, विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश है। मायावादी की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। वो बेसिकली ये बोलते हैं कि कृष्ण 100 रुपए के नोट की तरह है, जब आपने 100 लोगों को 1-1 रुपए दे दिया तो 100 रुपए का नोट खत्म हो गया। तो कृष्ण ने इतने अवतार कर लिए, अब कृष्ण का अस्तित्व खत्म हो, क्योंकि इतनी जगह भटक गए वो। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं आगे, बोलते हैं ये विचार सर्वथा भौतिक है, ये मेरा मटेरियल डिजायर है, ये मटेरियल कैलकुलेशन है कि 100 रुपए में से 100 लोगों को 1-1 रुपए दे दिए तो 100 रुपए खत्म हो गया। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है
एक और एक मिलकर एक ही होता है। परम का अर्थ क्या है? वन प्लस वन भी वन होता है और वन माइनस वन भी वन होता है। दैट मीन्स भगवान में भगवान जोड़ दें तो भी भगवान ही है, और भगवान से अनंत कोटि अनलिमिटेड भगवान निकल भी जाए तब भी वो भगवान ही है। वन प्लस वन भी वन है और वन माइनस वन भी वन है। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या है? कृष्ण में आप जो मर्जी जोड़ लो, कृष्ण ही है, और कृष्ण से जितने मर्जी अवतार निकल जाएं, जितने मर्जी यूनिवर्सेस निकल जाएं, जितने मर्जी हमारे जैसे अंश भी सेपरेट हो जाएं, तब भी वो कृष्ण ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो आगे आगे पैराग्राफ में बेसिकली है कि भगवद गीता की जो पूरी इंटायर टीचिंग है वो किस तरफ टारगेट की हुई है कि जो लिविंग एंटिटी हम जीवात्मा है, भगवान के एटर्नल सर्वेंट है। किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में हमारे को भगवान से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि हम भगवान से सेपरेट हैं वो केवल और केवल माया है। माया का मतलब क्या है? जो असली में नहीं होती। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे मोह माया से दूर रहो। मोह माया, मोह मतलब अटैचमेंट, माया मतलब पैसा। हाँ, इस तरह यूज किया जाता है यूजली वर्ड मोह माया से दूर रहो। एक्चुअली माया का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि इस चीज में सुख मिल जाएगा, ये चीज मेरी है पर होती नहीं। ऐसा लगता है कि ये पैसा, धन दौलत, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी ये मेरा है, बट माया होने के कारण 5-7 साल में, 2-4 दिन में, 25-30 साल में ले लिया जाता है हमारे से। या तो हमारे कर्मों के कारण चीजें चली जाती हैं, या मृत्यु के समय सब कुछ चला जाता है। इसलिए ये माया है। ऐसा लगता है कि ये मेरा है पर थोड़े समय बाद अपने आप चला जाता है। अगला श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेन एव ऋजीनां संतरिष्यसि। अब ये उस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताइए, कितना स्पेशल है ये दिव्य ज्ञान। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। इस स्टेटमेंट पढ़ लें दोबारा। यदि तुम्हें, हम यहाँ तुम नहीं बोलते हैं, हम अपनी बात करते हैं। यदि हमें सभी पापियों के बीच में भी टॉप मोस्ट पापी, पापियों का राजा भी माना जाए, तब भी अगर हम इस दिव्य ज्ञान, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बोट पे चढ़ जाए, अपना जीवन इस दिव्य ज्ञान के हिसाब से जीना शुरू करें, तो भी हम सारे दुखों के सागर को पार करने में सक्सेसफुल होंगे। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मजाक नहीं उड़ा रही भगवद गीता। भगवद गीता एक्सेप्ट करती है इसको। जितने मर्जी पाप किए हों, जिस दिन वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की ओर चलना शुरू कर देगी, दिव्य ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर देगी, उसकी परफेक्शन गारंटीड है और कोई उसको नहीं रोक सकता। इसका तात्पर्य बहुत छोटा सा पर इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा भवसागर है, ये पूरा जो मटेरियल ओशन है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसको समुद्र से कंपेयर किया गया है। और कोई एक्सपर्ट स्विमर भी हो तो भी एक समुद्र को पार नहीं कर सकता एक स्विमर भी, जब तक एक सूटेबल बोट उसको लिफ्ट ना करके अपने ऊपर बिठाना ले। तो ये जो दिव्य ज्ञान है जो गुरु के माध्यम से मिलता है, ये उस बोट की तरह है जो हमारे को इस समुद्र पार करने पे मदद करती है।
और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत जो है, इसको आग से कंपेयर किया हुआ, जो जला रही है हमारे को हर समय जला रही है। संसार दावा नर नीने लोका प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, हर इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे आरती होती है कि संसार दावा, इस संसार की दावा अग्नि में, इस संसार की अग्नि में हम सारे जल रहे हैं, और करुणावश कृपा के कारण गुरु हमारे जीवन में आए और उन्होंने इस दावा अग्नि को, इस संसार रूपी अग्नि को बुझाना शुरू कर दिया। अगला श्लोक, यथाई धाम से समस्तोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तत। अभी एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल, जैसे एक प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अगर फायर है तो वो लकड़ को जला देती है और राख बना देती है, उसी तरह है अर्जुन, ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है भौतिक कर्म को, हमारे जो कर्म है, रिएक्शन है, जिसके कारण हम दुखी हैं, सुखी भी हैं, इनके समस्त फलों को जला के जला डालती। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये दिव्य ज्ञान जो है, ये सिर्फ हमारे पापों को नहीं जलाता। अगर किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसको नरकों में या इस जीवन में दुख लेके उसको खत्म भोगना पड़ेगा, बट अगर किसी ने पुण्य करे हैं तो उसको भी भोगना पड़ेगा, बट उसको एंजॉयमेंट मिलेगी, भौतिक स्तर पे उसको आनंद की प्राप्ति होगी। बट ये दिव्य ज्ञान इस भौतिक सुख और दुख दोनों से ऊपर होने के कारण इन दोनों को जला देता है, और फिर हमारे को केवल आध्यात्मिक सुख का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें कभी कमी नहीं आती। कोई अगर मटेरियली एंजॉय कर रहा है तो वो थोड़े समय में जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उसको वापस से दुख भोगना पड़ता है, बट अगर कोई एक बार आध्यात्मिक सुख भोगना शुरू कर दे तो वो वापस से कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका इफेक्ट परमानेंट है, इसका जो इफेक्ट है वो कंप्लीटली परमानेंट है। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान जो है, जो ये अग्नि है, ये चार स्टेजेस में जलाती है। चार स्टेजेस में, पहला कब ये जलाती है, जब हमारे पाप बन रहे होते हैं। दूसरा, जब हमारे पाप हमारे को सामने आके मिल जाते हैं। तीसरा, जो हमारे को पाप, हम जो हमने पुण्य, जब मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ, मैं पाप बोल रहा हूँ बट ये पुण्य भी इंक्लूडेड है, जो रिएक्शन हम हमारे को अभी धीरे धीरे मिलने वाले हैं, समझना। एक तो रिएक्शन है जो हमारे अभी बन रहे हैं, जो हमारे को फ्यूचर में कब मिलेंगे पता नहीं, ये उसको भी जला देती है। दूसरा ही वो रिएक्शन को जलाती है जो हमें मिल गए हैं अभी, जो हम सुख दुख अभी भोग रहे हैं। तीसरा, ये उन रिएक्शन को जलाती है जो हमारे को बहुत रिसेंट फ्यूचर में अभी मिलने वाले हैं और वो ऑलमोस्ट रेडी खड़े हैं हमारे लिए। और चौथा, ये उन रिएक्शन को भी जला देती है जो हम पाप पुण्य फ्यूचर में करेंगे, जिससे रिएक्शन आएगा उसको भी खत्म कर देती है, जो अभी पाप पुण्य किए भी नहीं। इतना पावर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में। इसीलिए ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का। हम पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को सिंप्लीफाइड भाषा में क्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब क्या है। हमें अपना स्वभाव समझना है कि मैं जीवात्मा हूँ, हमारे को परम सत्य परम पुरुषोत्तम भगवान का नेचर समझना है, और हमारा और इस भगवान का रिश्ता क्या है। ये अगर कोई तीन चीजें समझ लेता है, और चौथी ये समझ लेता है कि ये भौतिक भौतिक सृष्टि क्या है, भौतिक नेचर जो मटेरियल नेचर है वो क्या है, ये अगर कोई पैकेज समझ लेता है तो वो दिव्य ज्ञान की स्थिति में है और ये सारे रिजल्ट उसको मिल सकते हैं। अगला श्लोक,
नाहि ज्ञानेन सत्रशाम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कलेनात्मनि विन्दति। बड़ा प्यारा श्लोक है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जितना प्योर है उतना कुछ भी प्योर और सबलाइम नहीं है। ये जो ज्ञान है ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। ये सारे मिस्टिसिज्म का राइपेंड फ्रूट है। जितने भी प्रकार के योग साधना है ये उसका सबसे पका हुआ फल है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब ये क्यों है पका हुआ फल? क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान से हमारा संबंध स्थापित होने लगता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पका हुआ फल है। हमारे को अलग अलग योगा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, सांस रोको सांस छोड़ो माइंड पे कंट्रोल करो ये सैक्रिफाइस करो वो सैक्रिफाइस करो अपना डोनेशन दो मंदिर में सेवा करो जंगल में जाओ पहाड़ियों पे जाओ कुछ भी ना। उसका मैच्योर फ्रूट क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो ऑटोमेटिकली हमारा भगवान से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे को प्रिपेयर करता है, रेडी। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब जो भक्ति में अकम्प्लिश्ड है वो इस दिव्य ज्ञान को एक्सपीरियंस करता है। अभी ये जो बोला जाता है कि ये सबसे मैच्योर फ्रूट है डिवोशनल सर्विस का, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, क्यों है ऐसा? सबसे मैच्योर फ्रूट क्यों है? क्योंकि व्यक्ति दो चीजें एक्सपीरियंस करता है। एक तो वो अपने भीतर एक बड़ी ही अमेजिंग पीस को एक्सपीरियंस करता है, बहुत ही अमेजिंग शांति को एक्सपीरियंस करता है। वो उसको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यही दिव्य ज्ञान उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है क्योंकि इसकी अविद्या खत्म हो गई। तो उस ये समझना उसकी मुक्ति का कारण बनता है ये दिव्य ज्ञान। और वो जो एक हैप्पीनेस एक पीस को एक्सपीरियंस करता है अपने अंदर जो उसको और कहीं नहीं मिलती, ये एक एक्सपीरियंस होता है उस व्यक्ति को जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बेसिस पे प्लेटफॉर्म पे जीवन जीता है। इसलिए हम देखते हैं जो बहुत एडवांस्ड साधु होते हैं उनको शारीरिक रूप से पारिवारिक रूप से समाज के हिसाब से कुछ भी उथल पुथल हो रही हो वो डिस्टर्ब नहीं होते, उनके मुंह लटके नहीं होते, वो दुख नहीं मना रहे होते, वो अफसोस नहीं कर रहे होते, डिप्रेशन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पीस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने अंदर जो बाहर कहीं खोजने में मिल ही नहीं सकती। और ये ही दिव्य ज्ञान कहाँ लेके जाता है? प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेके जाता है। यही नॉलेज प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे, यही नॉलेज और यही पीस कल्मिनेट करती है। इसका फाइनल जो रिजल्ट आता है वो है शुद्ध भक्ति भगवान की। इसलिए इसलिए ये एक्सपीरियंस बहुत सुपीरियर है। अगर किसी को इसका हल्का हल्का ग्लिम्स भी हो जाए, हल्का हल्का इसकी परछाई भी कभी एक्सपीरियंस करने को मिले तो उसको समझेगा कि ये क्या बोला जा रहा है। बड़ी बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी उसको विचलित नहीं करती। हम कितने सारे श्लोक भगवद्गीता में पढ़ते हैं, हम सुनते भी, अरे ये साधु संत को देखो यार, ये बड़े स्थिर है, ये एक बड़े ही, इनका इक्विलिब्रियम बहुत मेंटेन्ड है, ये सुख और दुख में समान रहते हैं। ये स्टेज कैसे आती है? ये उसका एक्सप्लेनेशन है कैसे आती है। कृष्ण भगवद गीता में एक जगह बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए शांति बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीस जो है, शांति जो है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि जब हम पीसफुल होते हैं तो हम हैप्पीनेस को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब हम कुछ डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, जब हम स्पिरिचुअली कुछ एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही एजिटेटेड है अपने अंदर, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, तो वो डिवोशनली कोई भी एक्टिविटी करे उसको हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसीलिए बहुत बड़े डिवोटिस को बोला जाता है अपना लाइफ सिंपल रखने को, लाइफ सिंपल रखने के लिए इसलिए बोला जाता है, डिवोटिस को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि जितना लाइफ सिंपल रहता है उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, उतना आपका पीसफुल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। जितना आपके आसपास एजिटेशन और प्रोवोकेशन का एटमॉस्फेयर है उतना आपके लिए डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो बहुत बारी इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बोला जाता है कि यू टॉलरेट बट मेंटेन पीस। क्यों? क्योंकि आपका अगर घर का शांति खराब हुआ तो आप डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए, जो कस्टमर की किटपिट किटपिट सुन लेता है, क्योंकि उसको उस कस्टमर से प्रॉफिट निकालना होता है। बदतमीजी नहीं सहनी, छोटी मोटी किटपिट सह लेनी। अब कोई कस्टमर आके थप्पड़ मार देगा किसी को तो वो सब तो नहीं सहेगा, बट वो चिटपिट चिटपिट करे, कुछ छोटा मोटा बोल रहा है, सर खा रहा है, अपने कहानी सुना रहा है, अपने रोने सुना रहा है, तो एक दुकानदार अपने प्रॉफिट को नजर में रख के ये सब सह लेता। उसी तरह डिवोशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें, हमारे वर्क रिलेशन हो, क्योंकि हर बिजनेस में हर जॉब में स्पेशली पॉलिटिक्स होता ही होता है, तो अनलेस वो पॉलिटिक्स आपको डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो मेंटली या फिजिकली, छोटा मोटा टॉलरेट कर लेना चाहिए, रिलेशनशिप्स में भी टॉलरेट कर लेना चाहिए, ताकि आपका एटमॉस्फेयर पीसफुल रहे। जितना हम अपने आसपास पीसफुल एटमॉस्फेयर रख पाते हैं उतना ही हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं और डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर पाते हैं। और कृष्णा भगवत गीता में श्लोक बोलते हैं, अशांति कुथा सुखम, अगर शांति नहीं है तो सुख आएगा। इसलिए शांति गोल नहीं है, बट शांति बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक प्लेटफॉर्म है हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। और जब हम ऑटोमेटिकली उस स्तर पे आते हैं, वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, तब कुछ हो भी जाए छोटा मोटा हमारी लाइफ में तो हमारे को डिस्टर्ब नहीं करता, जो एक आम आदमी करता है। अनलेस हम स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड हो जाए, जैसे ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे कोई साधु है, तो चीजें हमारे को डिस्टर्ब करेंगी, ऑटोमेटिकली करेंगी करेंगी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, आर्टिफिशियली तो हम भी नहीं इग्नोर कर सकते, बट हम ये तो कर सकते हैं कि हम खुद से कॉम्प्लिकेट ना करें चीजें हमारे आसपास, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है और सबको अपने अपने सिचुएशन में देखना चाहिए कि मैं चीजें कॉम्प्लिकेट ना करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपकी क्षमता है, अगर आपका कैपेसिटी है कि आप ये गाड़ी खरीद सकते हो, बट आप शोबाजी के चक्कर में लोन लेके अननेसेसरी दूसरी गाड़ी लेके आते हो, तो वो एक्स्ट्रा मॉर्गेज, एक्स्ट्रा पैसा भरना शायद आपको टाइट कर दे फाइनेंशियली, तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो अपने को इस प्रकार की भी अननेसेसरी एजिटेशन से बचाना चाहिए, ताकि हम पीसफुली डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि हम इस दिव्य ज्ञान के स्तर पे नहीं है। इसलिए मैं हमारे स्तर के लेवल पे बता रहा हूँ कि हमारे स्तर पे हम पीस कैसे मेंटेन रख सकते। अगला श्लोक, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। जो दिव्य ज्ञान को समर्पित है, जिसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इससे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब फेथफुल व्यक्ति कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है,
वो व्यक्ति जो सिंपली ये सोचता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपना जीवन जीना, भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रख के जीवन जीने जीना ही हाईएस्ट परफेक्शन है, ये एक श्रद्धालु व्यक्ति का की मानसिकता है। हम अपने लाइफ में देख सकते हैं कितने श्रद्धालु हैं कि हमारा जीवन भगवान के आधार पे चल रहा है कि नहीं, भगवान के इर्द गिर्द है कि नहीं। अब ये श्रद्धा कैसे मिलती है? प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं भक्ति के जो अंग हैं उनको फॉलो करके, और स्पेशली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे हृदय के कलमश को दूर करती है उसको फॉलो करते। तो कौन परफेक्शन प्राप्त कर सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में बिना डिले के? जो फेथफुल हो और जिसका सेंसेस पे कंट्रोल हो। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जो श्रद्धा विहीन है वो उसका क्या होता है। नंबर 40, अब ये बहुत सारे डिवोटीज पे लागू कर सकता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को शुरू तो कर लेते हैं बट ध्यान नहीं रखते कि उनकी तरक्की ठीक से हो रही है कि नहीं। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत नाम अमृत नहीं प्राप्त करते। भगवत भाव नाम अमृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। एक डाउटफुल सोल जो है वो ना ही इस लाइफ में हैप्पी रह पाता है ना ही नेक्स्ट लाइफ। अब जो श्रद्धा विहीन है जो फेथलेस है, जो जिसका स्क्रिप्चर्स में भी डाउट रहता है, वो जैसे कृष्णा भावामृत है ऐसे भगवत भावनामृत है। ये इसका मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस बेसिकली। वो भगवान गॉड कॉन्शियसनेस को या कृष्ण कॉन्शियसनेस को अटेन नहीं कर पाता। कौन? इग्नोरेंट, इसको दिव्य ज्ञान नहीं है मतलब, और दूसरा फेथलेस। पिछला श्लोक बोल रहा था जिसमें श्रद्धा है और जो सेंसेस पे कंट्रोल कर लेता है वो इस स्टेज को प्राप्त कर लेता है, बट जो इग्नोरेंट है और जिसकी श्रद्धा नहीं है शास्त्रों के ऊपर वो इस स्टेज में कभी प्राप्त नहीं, इस स्टेज को कभी प्राप्त नहीं कर पाता, गिर जाता है। हाँ, क्योंकि जो संशय आत्मा है, संशय आत्मा विनश्यति, एक डाउटफुल सोल का विनाश होता ही होता है। अब बहुत बार डिवोटीज भी अपने आप को इस कैटेगरी में पाते हैं। अब वो एक्सट्रीमली डाउटफुल नहीं होते बट वो जितना उनको समय के साथ डिवोशनली आगे बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ते। तो 5-7 साल बाद डिवोटीज को क्या लगने लगता है? अरे ना तो मैं इस वर्ल्ड का हूँ ना मैं स्पिरिचुअली कुछ कर रहा हूँ। तो हम अपने आप को उस सिचुएशन में ना लाएं, इसलिए उसमें पहले ही वर्कआउट करना चाहिए हमारे करंट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के जो पाथ है उसको फिक्स करने के लिए। आप सरप्राइज हो जाओगे कितने सारे डिवोटीज ये श्लोक जब पढ़ते हैं तो उनको स्ट्राइक करता है कि हमारी बात हो रही है। उनको इतना फेथ नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो परम सत्य, और वो नास्तिक भी नहीं है। यहाँ पे तो चलो एक बिल्कुल श्रद्धाहीन व्यक्ति की बात करी है। मैं इस श्लोक को अपने पे लेके आ रहा हूँ। हमारी स्टेज के ऊपर हम श्रद्धाहीन तो नहीं है, हम फेथलेस तो नहीं है, अभी हम क्लास सुन रहे हैं, बट डिवोटीज इस स्टेज में आ जाते हैं कि कुछ सालों के बाद वो अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस ना होने के कारण, उनको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ना मिलने के कारण जो दूसरों को मिल रहा है वो अपने आप को दो बोट में पाते हैं। क्यों? क्या गलती करते हैं वो डिवोटीज?
सबसे मेजर उनकी गलती ये रहता है कि उनको अभी भी ये कन्विंस नहीं हुआ कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, वो यहाँ से भी सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उनको आध्यात्मिक सुख भी चाहिए। तो दो नाव पे पांव रख के चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, कोशिश करते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं बैलेंस करने का, और देखते हैं कि यार हमारे साथ के भक्त है वो तो स्पिरिचुअली बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि पूरा का पूरा एक नाव में आ जाना। जो कंप्लीटली स्पिरिचुअल नॉलेज से एकदम विहीन है उसका तो हमें पता है वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसीलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए हम सारे, नहीं तो हम क्यों होते। अगर हम मटेरियली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैप्पी होते तो हम स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही करते, तो हमने स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्ट करी। बट हमने क्या गलती कर दी, हमने एक टांग उस बोट में अभी भी रख के रखा है, और ये दो को बैलेंस करना बहुत कठिन हो जाता है डिवोटीज के लिए। और कुछ साल बाद इसका रिजल्ट दिखता है जब हम बहुत थक जाते हैं बैलेंस करते करते, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जीते जीते, तो वो सिचुएशन में ना फंसे, और अगर फंसे हैं तो उससे जल्दी निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस श्लोक पे वापस आते हैं क्योंकि हम भगवदगीता पढ़ रहे हैं, ये मैं पॉइंट हमारे लिए बता रहा था। अब प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि क्या कैटेगरी के लोग हैं जो पूरी तरह डिस्क्वालिफाइड है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ऑलमोस्ट जानवर जैसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई फेथ नहीं है, ना किसी भी प्रकार के शास्त्रों में कोई फेथ नहीं है उनको। अगर उनको नॉलेज है भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप सरप्राइज हो जाओगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता के श्लोकों को कोट करते हैं, उन्होंने कितने ही संस्कृत के श्लोक याद रखे हुए हैं बट अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, फेथ नहीं है स्क्रिप्चर्स के वर्ड पे, फेथ नहीं है। अब कई लोग हैं जिनको फेथ है भी, तीन कैटेगरी, एक तो है जिसको बिल्कुल फेथ नहीं है, वो जानवर की तरह प्रॉपर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, उनको कोई फेथ नहीं है, उनको फालतू बात है। एक है जिसको नॉलेज है बट बिल्कुल फेथ नहीं है, एक है जिसको फेथ है, हाँ उनको स्क्रिप्चर्स में थोड़ा बहुत फेथ है बट उनको वो बिल्कुल भी भगवान की वर्शिप में बिलीव नहीं करते। ये तीनों कैटेगरी डिस्क्वालिफाइड लोगों की कैटेगरी। अब प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं इनमें से सबसे वर्स्ट सिचुएशन किसकी है, जिसको कोई फेथ नहीं है और हर समय डाउटफुल रहता, वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता। देखो डाउट करना स्पिरिचुअल पथ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारा डाउट ऐसा होना चाहिए कि हमारे को अपलिफ्ट करें जब हमारे डाउट्स का सोल्यूशन मिल जाए। ऐसे डाउट्स नहीं होने चाहिए कि वो डाउट सॉल्व हुआ तो हम बोले हाँ ये तो ठीक है, और डाउट चैलेंजिंग वे में डाउट नहीं करना चाहिए। हम आई थिंक क्लास में हमारे भी है कि अभी अभी एक डिवोटी थे क्लास में, अनीश अभी नहीं रहे, लेफ्ट आउट। वो अपने किसी रिलेटिव का बता रहे थे, आप जितना मर्जी उनको लॉजिकल स्क्रिप्चरल साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दे दो स्पिरिचुअलिटी के, उन्होंने उसने मन में ठान रखी मुझे नहीं मानना, या तो तुम सामने से मुझे कन्विंस कर दो, बट जब मैं तुम्हारे को सामने से रीजनिंग के साथ एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर तुम बोला ये नहीं, ये बता, मतलब जो मैंने बताया और तू तुझे तू अग्री कर गया उससे और तुम आर्ग्यू नहीं कर पाए उसको, उसका क्या, उसको फॉलो करोगे कि नहीं? नहीं, कन्विंस्ड है कि नहीं करना, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसे ऐसी अगर कोई कंडीशन में हो तो। इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हम स्क्रिप्चर्स, अभी ये पूरा जो हम सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 34 श्लोक से ऑनवर्ड्स, इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको प्रमाणिक परंपरा में एक रिकग्नाइज्ड स्पिरिचुअल अथॉरिटी के द्वारा ये सब नॉलेज को समझा जाए, और ये नॉलेज हमारे को फिर ग्रेजुअली ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स से डायरेक्टली लिए हुए कंक्लूजन है और इस पे फेथ रखना
हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये फेथ ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए, हम भी अपने रिसर्च करने चाहिए, बट एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स में फेथ बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे, पथ पे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला श्लोक, लास्ट दो श्लोक रह गए, फिर जब हम खत्म कर देंगे चैप्टर, किसी का फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आगे दोनों श्लोक बहुत छोटे हैं। योग संन्यास कर्माणं ज्ञान संचयन संशया आत्मवंतं न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता जिसने अपने कर्मों के फलों को त्याग कर दिया। त्याग का मतलब क्या है? जिसने अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में लगा दिया और जिसके डाउट जो हैं पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड होने के कारण, वो व्यक्ति एक्चुअली आत्मा के प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड है, आत्मपरायण। और ऐसे व्यक्ति को कोई भी उसके कर्मों के फल अच्छे या बुरे तंग नहीं कर सकते, तंग उसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, एक छोटा सा तात्पर्य है, जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कोई भी प्रकार का कर्म बंधन उसको बांधता नहीं। आखिरी श्लोक आज का, ये कंक्लूजन श्लोक है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम् कृत्स्थम् ज्ञानासिनातमः चित्वैनं संशयं योगं अतिष्ठो तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब भगवान अर्जुन को युद्ध करने को नहीं कह रहे, अब भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? आर्म्ड विद योगा, अब तुम सिर्फ वेपन नहीं, योग की शक्ति से युद्ध करो। योग की शक्ति से युद्ध करना है अभी। अब ये इंस्ट्रक्शन भगवान ने अर्जुन को दिए, योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब सिर्फ वेपन से नहीं होगा युद्ध, अब शास्त्र और शस्त्र दोनों के वेपन से युद्ध करो, क्योंकि शस्त्र से तुम अपने अज्ञान को काटोगे, शास्त्र से, और शस्त्र से तुम सामने वाले शत्रु को काटोगे, क्योंकि अब तुम्हारा अज्ञान खत्म हो गया। नीचे तात्पर्य, इसका तात्पर्य बेसिकली एक समरी है पूरे चैप्टर की, इंपॉर्टेंट है, एक पूरे चैप्टर हमारे सामने आ जाएगा एक सेकंड। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म। दो प्रकार के यज्ञ हैं बेसिकली, एक तो मटेरियल जो हम खुद भी देखते हैं मटेरियल गुड्स का, एक सेकंड, दो, एक तो द्रव्य का यज्ञ है मटेरियल गुड्स का, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म, बेसिकली एक 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 सेल्फ
को आहुति देना और दूसरा मटेरियल हमारे जो पोजेशन है उसकी आहुति देना। जो दूसरा एक मटेरियल है एक्टिविटी और दूसरा है कंप्लीटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आध्यात्मिक कर्म। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषय सत्य। अब स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी दो तरह की है, अपने आप को समझना और भगवान को समझना, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ रिगार्डिंग भगवान। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। क्या ज्ञान की दो श्रेणियां है? अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड गॉड ऑल्सो, अपने को भी समझना और भगवान को भी समझना। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उद्देश्यों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है, मूर्खों का राजा है। बसी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, अब ये जो सारी लिस्ट बताई थी ना यज्ञों की, कौन कौन से लोग आहुति देते हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म, ये हमने 25-29 श्लोकों में ही किया था, सारी लिस्ट है। वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है, ये अलग अलग यज्ञों का लिस्ट दे रखी है बसी ने। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म का पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। बेसिकली दैट मीन्स टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक स्टूडेंट है, पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली परंपरा में होते हैं। वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होते जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता का उपदेश इस धराधाम में आया। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वश अन्य को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। पूरे चैप्टर को समराइज कर दिए, ऐसे बेसिकली इस प्रकार श्रीमद भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ये इतना सा ऐसे में प्रभुपाद ने पूरा चैप्टर समेट दिए, अमेजिंग है। ओके, कोई क्वेश्चन? हमारा फोर्थ चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक से हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ चैप्टर बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि छोटा है, सिर्फ 29 श्लोक है उसमें। कोई क्वेश्चन और वी फिनिश? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बीच में वो कुछ समझा रहे थे साधु के बारे में, तो आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी वैष्णवा एंड साधु, एंड अगर वो डिफरेंट है तो जो साधु है जो भक्ति फॉलो करते वो भी लाइक वैकुंठ में जाते हैं और दे गो टू द अदर प्लैनेट्स? सेकंड पार्ट नहीं समझा, पहला तो मैं समझ गया, बोल रहे डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ साधु, वैष्णव एंड अ साधु। यस, दूसरा पार्ट क्या था?
कि अगर वो डिफरेंट है तो साधु जो भक्ति फॉलो करते हैं वो भी वैकुंठा में जाते हैं, या वो कोई सप्तऋषि या कोई डिफरेंट प्लेनेट में जाते आफ्टर दी बर्थ मुक्ति तो के बाद? पहले पहला क्वेश्चन पार्ट है आपका, वैष्णव और साधु में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, साधु वैष्णव एक साधु ही होता है। अब ये है कि वैष्णव का मतलब है विष्णु, राम, कृष्ण या कोई भी विष्णु अवतार का डिवोटी को वैष्णव बोला जाता है बेसिकली। तो साधु की जो कैटेगरी है वो एक इम्पर्सनल लाइफस्टाइल फॉलो करता है, वो भी साधु कैटेगरी में आ सकता है। शिव भक्त भी साधु कैटेगरी में आ सकता है। तो वैष्णव जो है वो साधु होता ही है। साधु वो बेसिकली एक स्पिरिचुअलिस्ट को बोला जाता है, साधु संत जैसे बोलते हैं वर्ड यूसेज है। अब रही बात आपके सेकेंड पार्ट की, तो भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान विष्णु के जितने जितने भी फॉर्म्स हैं, कृष्ण के जितने भी इनकार्नेशन हैं, जो अलग अलग विष्णु की कैटेगरी में है, मत्स्य कूर्मा वराह नृसिंह राम, वो सारे के सारे जिस भी भगवान के स्वरूप से अट्रैक्टेड होते हैं, वो वैकुंठ धाम में भगवान के उस पर्टिकुलर अबोर्ड में जाते हैं। जैसे कोई राम भगवान की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है तो वो वैकुंठ, मतलब वैकुंठ मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठ बोला जाता है। कुंठ मीन्स एंग्जाइटी, गुजराती में आई थिंक कुंठ वर्ड यूज होता है जहाँ तक मराठी में किसी में तो कुंठ यूज किया, वर्ड यूज किया जाता है। कुंठ का मतलब है दुख, परेशानी, तकलीफ, एंग्जाइटी। वैकुंठ का मीन्स जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड को कुंठ जगत बोला जाता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठ जगत बोला जाता है, जहाँ पे किसी प्रकार की एंग्जाइटी परेशानी नहीं है। तो इस वैकुंठ जगत में बहुत सारे भगवान के डिफरेंट डिफरेंट धाम है, जिसमें टॉप मोस्ट है गोलोक वृंदावन धाम, जो कृष्णा का अबोर्ड है। तो अगर किसी भी एक डिवोटी का, एक वैष्णव का, किसी भी भगवान विष्णु के स्वरूप से अट्रैक्शन है तो वो उनके पर्टिकुलर धाम में जाता है। अब कोई नरसिंह भगवान का डिवोटी है तो वो वैकुंठ जगत में नरसिंह धाम जाएगा, और कोई कृष्णा का डिवोटी है तो वो कृष्ण गोलोक वृंदावन जाएगा। अब कोई कृष्णा का डिवोटी अगर कृष्णा के द्वारका के राजा के रूप में है तो वो फिर वृंदावन नहीं जाएगा, वो द्वारका धाम जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ धाम में। तो बेसिकली ये जो वैष्णव है वो इस तरह वैकुंठ धाम में। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका था, यस एनीथिंग एल्स और यू फिनिश? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण, आपने प्रभु जी, आपने बीच में एक्सप्लेन कर रहे थे दिव्य ज्ञान को, आपने समराइज किया था 4 पॉइंट्स में, अगर आप हाँ जी उसे हाँ फिर जी। से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। तो तो दिव्य ज्ञान बेसिकली है टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, मतलब स्पिरिचुअली मेरी क्या आइडेंटिटी है। दूसरा, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लिए अपने। तीसरा, भगवान की मेटीरियल एनर्जी क्या है जिस भौतिक प्रकृति में हम रह रहे हैं। चौथा, भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी। अब भगवान अगर हमने बोला तो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान की मेटीरियल एनर्जी कैसे काम करती है। चौथा अगर आपने डाला तो ये कैटेगरी में भी डाल सकते हो कि मैं भगवान से रिलेशनशिप अपना री एस्टैब्लिश कैसे करूं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। ठीक ओके है, हाँ तो ये समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जी, ये समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनकी भौतिक और ये एनर्जी भौतिक क्या है। प्रकृति काम कैसे कर रही है। इसको चार को आप ओके तीन में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर और सिंपलीफाई करना है। ओके मैं कौन हूँ, मतलब मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है बेसिकली, क्योंकि ये शरीर तो मुझे पता है कहाँ से आया, माता पिता से आया, बट आत्मा कहाँ से आई, तो उसका सोर्स भगवान है, तो फिर भगवान भगवान। कौन है। तो भगवान समझ आए तो फिर ये भौतिक प्रकृति से मैं अट्रैक्टेड क्यों हूँ, अगर मैं अंश ही भगवान का हूँ तो
तो ये भौतिक प्रकृति का क्या लेना देना है? तो भौतिक प्रकृति हमें क्यों जाननी है? ताकि छोड़ सके, छोड़ सके, करेक्ट। तो जब हम भगवान बोल रहे हैं उसमें हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, उसमें हमारा रिलेशनशिप, क्योंकि ये तो ये सब टॉपिक्स की हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग्स भी हैं। अगर मैं और मेरा भगवान का समझ आ गया भगवान को ना, तो उसके बाद आता है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख सकते तो अच्छा है। संबंध मीन्स मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, संबंध ज्ञान, इसी की सब हेडिंग हो गई संबंध ज्ञान, की मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। फिर अभिधेय, अभिधेय ज्ञान का मतलब क्या है, वो क्या प्रोसेस है जो मैं फॉलो करूं जो इस रिलेशनशिप को मैं रियलाइज कर सकूं। जैसे मेरा भगवान से संबंध है कि मैं भगवान का एटर्नल सर्वेंट हूं, तो अब उसको रियलाइज कैसे करना है मुझे, तो वो है अभिधेय ज्ञान। अभिधेय मीन्स इस रिलेशनशिप को मैं रियलाइज कैसे करूं। तीसरा है प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स ये रियलाइज करके क्या मिलेगा, प्रयोजन मीन्स गोल, क्या गोल अचीव करना है मुझे, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, लव ऑफ गॉड। तो ये मेन हेडिंग, इसके नीचे सब हेडिंग में भी ये तीन लिख सकते हो अगर आप लिख नोट बना रहे हो। अभिधेय और प्रयोजन, इसको इसको सिंपल तरीके से याद करना है तो कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय, भक्ति प्रोसेस है, और प्रेम प्रयोजन। कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय, प्रेम प्रयोजन। कृष्ण से मेरा संबंध है, उस संबंध को कैसे अचीव करना है, वो अभिधेय, वो प्रोसेस क्या है, भक्ति के द्वारा। और गोल क्या अचीव करना है, प्रयोजन क्या अचीव करना है, प्रेम भगवान के प्रति, लव। सो बहुत सही, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एनीथिंग एल्स? ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट वीक, फिफ्थ चैप्टर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा।